गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस कॉन्सेप्ट में। हम लोगों ने एनसीईआरटी कक्षा 6 की साइंस की बुक को पढ़ना स्टार्ट किया था और आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि हमारे आसपास जो प्लांट देखने को मिलते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म या इसको हिंदी में आप जीवधारी कह सकते हैं। जीवधारी का सिंपल से मतलब है कि जो जीवन को धारण करते हों, अर्थात जिनमें जीवन पाया जाता हो, जिसमें लाइफ प्रोसेस पाई जाती हो, वही क्या है, ऑर्गेनिज्म है या फिर जीवधारी है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो देखिए, इस पूरे पृथ्वी पर लिविंग ऑर्गेनिज्म मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं। एक जिन्हें हम लोग प्लांट कहते हैं यानी कि पादप कहते हैं, और दूसरा जिन्हें हम लोग एनिमल यानी कि जंतु कहते हैं। तो जितने भी प्रकार के जीव जंतु इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। वैसे ये पांच प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम लोग वाइटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉलो करें तो उसमें बताया गया है कि 5 प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन अभी हम वहाँ पे उस स्तर पे बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम लोग केवल प्लांट और एनिमल की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बायो शब्द का मतलब समझें कि बायो शब्द की मीनिंग क्या होती है, तो बायो का मतलब ही होता है लिविंग। तो बायोलॉजी शब्द का मतलब क्या होगा, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, बायो शब्द का मतलब होता है लिविंग और लोगस शब्द का मतलब होता है स्टडी। तो बायोलॉजी शब्द का मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर पाए जाते हैं इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी क्या कहलाएगी, बायोलॉजी कहलाएगी। दो ब्रांच इसमें हो सकती है, एक को हम लोग बोलेंगे बॉटनी और दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, जूलॉजी। बॉटनी क्या है, प्लांट की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं, और एनिमल की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। अगर हम फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो थियोफ्रेस्टस हैं, और फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें तो अरस्तु हैं, यानी कि अरिस्टोटल हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो ये भी क्या है, अरिस्टोटल है, यानी कि अरस्तु हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि बायोलॉजी शब्द का मतलब क्या होता है। बायोलॉजी के अंतर्गत दो ब्रांच आती है, एक को हम लोग कहते हैं बॉटनी जो कि प्लांट की स्टडी है, एक को हम लोग बोलते हैं जूलॉजी जो कि एनिमल की स्टडी है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो हम लोगों ने बात की, तो किसे हम लोग कहेंगे कि ये लिविंग है या उसके अंदर लाइफ प्रोसेस चल रही है। तो लिविंग शब्द का मतलब क्या होता है, आइए पहले इसको समझते हैं। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होगा जिसके अंदर लाइफ होगी, और लाइफ से मतलब है जिसके अंदर ग्रोथ हो, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही हो, जो रिप्रोडक्शन करने की क्षमता रखता हो, और जिसके अंदर मूवमेंट हो रहा हो। तो अगर ये सारे फीचर उसके अंदर हैं तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, लिविंग है, यानी कि लाइफ प्रोसेस उसके अंदर चल रही है। अब देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज़ ग्रोथ करती है या कोई ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है तो वो नई सेल का फॉर्मेशन करता है, यानी कि सेल डिवाइड होती है और सेल की संख्या जो है वो बढ़ती है। तो अगर सेल की संख्या बढ़ रही है यानी कि सेल डिवाइड हो रही है, नई सेल का निर्माण हो रहा है, तो इसका मतलब कि उसमें ग्रोथ हो रही है, और अगर ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब कि वो लिविंग है। इसी प्रकार से यदि मेटाबॉलिक रिएक्शंस उसके अंदर हो रही हैं, मेटाबॉलिज्म हो रही है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को हिंदी में उपापचय बोलते हैं, और इसके अंतर्गत दो प्रकार की रिएक्शंस आती हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, देखिए जब सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म, जैसे फोटोसिंथेसिस एक प्रकार की एनाबॉलिज्म है, ठीक है। इसी प्रकार से कैटाबॉलिज्म क्या है कि जब जटिल अणु सरल अणुओं में टूटता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म इन दोनों को एक साथ मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म या उपापचय। तीसरी बात है इसमें है रिप्रोडक्शन। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर
रिप्रोडक्शन की क्षमता है, यानी कि वो अपने ही जैसा जीव अगर प्लांट है तो अपने जैसा प्लांट बनाने की क्षमता रखता है, या अगर कोई जंतु है तो वो अपने जैसा जंतु बनाने की क्षमता रखता है, तो इसका मतलब कि उसमें रिप्रोडक्शन की पावर है, वो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। तो अगर किसी भी जीव के अंदर रिप्रोडक्शन की क्षमता है तो इसका मतलब कि वो क्या है, लिविंग है। नेक्स्ट चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं मूवमेंट, अगर उसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब कि वो लिविंग है। तो ये कुछ फीचर हैं जिनकी सहायता से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं है, उसमें लाइफ प्रोसेस है कि नहीं है। अब जैसे हम लोग मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे थे, तो मेटाबॉलिज्म में हम लोगों ने बताया कि मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत दो चीज़ें आ जाती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को हमने अभी आपको बताया कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल, यानी कि सरल अणु यदि आपस में जुड़ करके किसी बड़े अणु का या किसी कॉम्प्लेक्स अणु का निर्माण करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म, या हिंदी में इसको उपचय बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में देखिए क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 6CO2 प्लस 12H2O, यहाँ पे देखिए जो 6CO2 है वो आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है मगर मैं बोल के आपको बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 6CO2 प्लस 12H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से क्लोरोफिल और लाइट की उपस्थिति में, क्लोरोफिल चाहिए इसके लिए और लाइट चाहिए, इसकी सहायता से C6H12O6 और साथ में यहाँ पे बन रहा है 6CO2 और 6H2O, यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और प्लस वाटर। मेन प्रोडक्ट यहाँ पे जो है वो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन और वाटर ये क्या है, इसके बाई प्रोडक्ट हैं। तो इस क्रिया में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये मिल करके ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और लाइट की प्रेजेंस में। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, ये प्रकार की एनाबोलिक प्रोसेस होगी। कैटाबोलिक प्रोसेस का एग्जांपल देखें तो जैसे रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, H2O बनता है और ATP यानी कि एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह की प्रोसेस क्या कहलाएगी जिसमें कोई जटिल अणु सरल अणुओं में टूटता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, कैटाबॉलिज्म या फिर अपचय प्रोसेस कहलाती है। तो इन्हें कैटाबॉलिक रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर। दूसरी ध्यान देने वाली यहाँ पर बात यह है कि कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ATP की फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी निकल रही है। तो दोनों बातें जरूरी हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेस में हो सकता है कि कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सरल मॉलिक्यूल में टूट रहा हो, और दूसरी बात जो जरूरी है यहाँ पे वो ये है कि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। अब जैसे कि प्रोटीन से अमीनो एसिड में टूटना, जब हम लोग भोजन खाते हैं तो उसमें जो प्रोटीन होती है ये किस में टूट जाती है, अमीनो एसिड में टूट जाती है, तो प्रोटीन का अमीनो एसिड में टूटना ये भी क्या है, एक प्रकार की कैटाबॉलिक प्रोसेस है। आइए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं लेकिन मैं जल्दी से इसको रिवाइज कर देता हूं। देखिए किसी भी प्लांट का वो हिस्सा जो जमीन के अंदर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं। रूट सिस्टम में भी देखिए एक मेन रूट होती है जिसे आप लोग प्राइमरी रूट कहते हैं, और प्राइमरी रूट से जो दूसरी ब्रांचेस निकलती हैं रूट की उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी रूट कहते हैं। इसी प्रकार से जो हिस्सा जमीन के ऊपर होता है उसे हम लोग सूट सिस्टम कहते हैं। सूट सिस्टम में स्टेम आ जाएगा, स्टेम की डिफरेंट जो ब्रांचेस होती हैं वो आ जाएंगी, लीफ जो कि स्टेम पे लगी होती है वो आ जाएंगी, इसके अलावा फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, ये सभी चीज़ें जो है ये सूट सिस्टम के अंतर्गत आ जाती हैं। तो एक प्लांट में ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और इन पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं रूट की। देखिए रूट का फंक्शन क्या होता है, मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है। देखिए रूट का फंक्शन होता है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। रूट का काम ये होता है कि जमीन के अंदर जो नमी है, जो पानी है
और उसके अंदर जो मिनरल्स हैं उनको वो एब्जॉर्ब करे और एब्जॉर्ब करके वो प्लांट के स्टेम तक उसको पहुँचाए। अब देखिए, ज़मीन में जो पानी होता है वो प्लांट की जड़ों तक कैसे पहुँचता है? कैपिलरी के द्वारा पहुँचता है। सॉयल में पतली पतली कैपिलरी बनी होती है जिनकी सहायता से पानी सॉयल में ऊपर चढ़ता है। तो सॉयल में जड़ों तक पानी कैसे पहुँचता है? कैपिलरी के द्वारा पहुँचता है। और फिर जब ये जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तब ये फिर जाइलम की सहायता से, जो कि रूट में वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है जाइलम, उसकी सहायता से फिर ये जो है तने की तरफ जो है बढ़ता है। तो रूट का काम क्या हुआ कि वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। मिनरल को ये एब्जॉर्ब करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा और वाटर को ये एब्जॉर्ब करता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। ये दो प्रोसेस हैं जिनके बारे में आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आप लोग रूट के बारे में इतना नॉलेज रखिए कि रूट का काम होता है कि ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। अब जो भी ये एब्जॉर्ब किया इसने वाटर और मिनरल को, ये रूट के जाइलम टिश्यू के पास जो है चला जाता है। रूट में हम लोग पढ़ेंगे आगे, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि रूट में जाइलम और फ्लोएम ये टिश्यू पाए जाते हैं। जाइलम जो टिश्यू होता है, तो रूट के अंदर जो जाइलम टिश्यू होता है पानी और मिनरल एब्जॉर्ब होने के पास जाइलम में चले जाते हैं और फिर जाइलम की सहायता से ही ये रूट से स्टेम में और स्टेम की अदर ब्रांचेस में और फिर उसके बाद लीफ में, यानी कि और डिफरेंट पार्ट्स जो हैं प्लांट के वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्टेम की। देखिए, स्टेम का काम क्या होता है? स्टेम का काम ये होता है कि रूट ने जो भी उसको वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके दिया है उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना, ये स्टेम का काम होता है। स्टेम एक रास्ता भी प्रोवाइड करता है और उसको पहुंचाने का काम भी करता है। और कैसे पहुंचता है तो देखिए, इसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं कि स्टेम का फंक्शन ये है कि कंडक्ट वाटर एंड मिनरल टू द लीव्स एंड इट आल्सो ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। देखिए, रूट ने पानी और मिनरल, यानी कि वाटर और मिनरल को जो एब्जॉर्ब किया उसको स्टेम तक और पत्तियों तक, यानी कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका है? स्टेम का है। लेकिन पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेकर के, और ये जो पानी इनके पास पहुंच रहा है उसको लेकर के जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है, यानी कि जो फूड का निर्माण करती है, उस फूड को भी प्लांट के अलग अलग भाग तक पहुंचाने का कार्य स्टेम के द्वारा ही होता है। यानी कि स्टेम पानी के वितरण के लिए और जो भोजन बना है पत्तियों के द्वारा उनके वितरण के लिए पूरी तरीके से ये पैसेज देता है, उनके लिए रास्ता देता है जिससे हो करके ये प्लांट के अलग अलग भागों तक पहुँचता है। अब देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वाटर ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के थ्रू। ये एक प्रकार का टिश्यू है, ये एक प्रकार का संवहनी ऊतक है जिसे हम लोग जाइलम कहते हैं। और जो पत्तियों के द्वारा भोजन बन रहा है इसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो इसको फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और जाइलम और फ्लोएम ये दोनों ही मिलकर के वैस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। आगे जब हम लोग प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग लीफ की, स्टेम की, रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में, यानी कि जितने भी प्रकार की कोशिकाएँ पहुँच जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जाइलम के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ पे पढ़ेंगे कि वैस्कुलर बंडल क्या होता है, क्या इसका काम होता है। तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको हिंट किया कि अगर आप स्टेम का टीएस सेक्शन काट करके आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको वैस्कुलर बंडल दिखाई पड़ेंगे जो कि जाइलम और फ्लोएम का बना होता है। और जाइलम का काम है वाटर को कंडक्ट करना और फ्लोएम का काम है फूड को कंडक्ट करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग लीफ की तरफ और देखते हैं कि लीफ का क्या फंक्शन होता है। अब देखिए, यहाँ पे लीफ के दो फंक्शन होते हैं। पहले फंक्शन की हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। पहला जो इसका फंक्शन है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। ये पहले भी मैंने आपको बता दिया कि पत्तियाँ जो होती हैं इनकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है और हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियाँ एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड
और जड़ों के द्वारा जो अवशोषित जल है इनकी सहायता से ये C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करती हैं, यानी कि पौधे अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। इसके अलावा बाई प्रोडक्ट के रूप में इसमें 6O2+6H2O भी बनता है। अब देखिए, चूंकि पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं इसीलिए ये स्वपोषी होते हैं यानी कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं। यहाँ पे जो ग्लूकोज बन रहा है जो कि पेड़ पौधों के लिए भोजन का काम करता है, तो जितनी ज़रूरत पौधे को होती है उतना ग्लूकोज तो ये इस्तेमाल करेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट ग्लूकोज का इनके पास बचता है उसको ये भोजन के रूप में स्टोर करके रख लेते हैं। लेकिन जब ये इसको भोजन के रूप में स्टोर करके रखते हैं तो ये इसको ग्लूकोज के रूप में ही नहीं स्टोर करते, ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च में। तो प्लांट जब भी फूड स्टोर करता है तो वो ग्लूकोज को स्टार्च में यानी कि मंड में कन्वर्ट कर देता है और ये प्लांट के वेरियस पार्ट में जो है स्टोर हो सकता है। जैसे आपने आलू का पेड़ देखा होगा तो उसमें जो आलू हम लोग खाते हैं वो एक तरीके से आलू के पेड़ का स्टोर्ड फूड ही है, ठीक है। तो ये स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। इसके अलावा देखिए, स्टार्च को कैसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है, तो मैंने इसके लिए फूड वाले चैप्टर में आपको बताया भी था, यहाँ मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर भोजन में स्टार्च है या किसी भी जगह पे स्टार्च है तो उसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। तो थोड़ी सी मात्रा आपको आयोडीन सोल्यूशन की लेनी है और जब आप आयोडीन सोल्यूशन की मात्रा को आप ऐड करेंगे तो थोड़ी देर बाद जो है आपको वहाँ पे डार्क ब्लू कलर जो है देखने को मिलेगा। तो थोड़ी देर बाद आपको वहाँ पे डार्क ब्लू कलर देखने को मिलेगा और ये डार्क ब्लू कलर इंडिकेट करता है कि वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। और ये देखिए, स्टार्च के साथ साथ ये आयोडीन का भी टेस्ट हो सकता है, मतलब कि अगर आपको कहीं पे आयोडीन का टेस्ट करना हो तो वहाँ पे आप स्टार्च डाल दीजिए और स्टार्च डालने पर अगर डार्क ब्लू कलर हो जा रहा हो तो इस तरीके से आयोडीन के प्रेजेंस को भी वहाँ पे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद पत्तियों में जो दूसरी महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। देखिए, पौधों की पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना यही कहलाता है वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ। लेकिन देखिए, पत्तियों से ये जो जल वाष्प के रूप में निकलता है तो ये पूरी पत्ती से नहीं बल्कि इसके लिए कुछ विशेष अंग यहाँ पे पाए जाते हैं और इन अंगों को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो ये स्टोमेटा एक प्रकार की ओपनिंग होती है, एक प्रकार के कह लीजिए कि छोटे छिद्र होते हैं जहाँ से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है। आगे हम लोग स्टोमेटा की स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे, उससे भी कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम लोग दो अलग तरह के प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्लांट वैसे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हर्ब हो गया, श्रब हो गया और ट्री हो गए। तो इनके अलावा भी कुछ और प्लांट होते हैं, इनके बारे में हम लोग यहीं पे देख ले रहे हैं। पहला है क्रीपर्स। देखिए, क्रीपर्स क्या होते हैं, ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनके स्टेम बहुत ही वीक होते हैं, दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, ये सीधे नहीं खड़े हो सकते ये प्लांट, क्योंकि इनके जो स्टेम होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। तो ये चूंकि सीधे नहीं खड़े हो सकते प्लांट, तो ये जमीन पर ही ये जो है फैलते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं। स्टेम दैट कैन नाइदर स्टैंड इरेक्ट नॉर सपोर्ट ऑल इट्स वेट, ना तो ये सीधे खड़े हो सकते हैं और अगर किसी सहारे से इनको सीधे खड़े कर भी दिया जाए तो इन पे जो फ्रूट लगते हैं उनके वेट के कारण ये सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। तो ये सामान्यतः ये जमीन पर ही ग्रो करते हैं और उसी पर ये फैलते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीपर कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, पंपकिन हो गया, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। दूसरी बात हम लोग करते हैं क्लाइंबर की। ये ऐसे पौधे होते हैं जो किसी सहारे से चढ़ते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, किसी पेड़ का या किसी दूसरे वस्तु का इनको सहारा मिल जाए तो ये जो है अपराइट डायरेक्शन में ये ग्रो करते हैं और उस सहारे से जो है क्लाइंब करने लगते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्लाइंबर्स। तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि बीन यानी कि सेम, कुकुम्बर यानी कि खीरा, ग्रेप वाइन यानी कि अंगूर, गॉर्ड यानी कि लौकी, जैस्मीन जो कि एक प्रकार का फूल होता है, मनी प्लांट ये एक प्रकार का सो प्लांट होता है। तो इस तरह के ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, जैसे कि पंपकिन ये एक प्रकार का क्रीपर है
और मनी प्लांट जो कि एक प्रकार का क्या है, क्लाइंबर है।